जब भी कोई फ्रॉड होता है तो हम स्विस बैंक का नाम सुनते हैं। गवर्नमेंट भी हमें बताती रहती है कि वो स्विस बैंक से ब्लैक मनी वापस लाएगी। तो आज हम जानेंगे कि क्यों करप्ट लोग स्विस बैंक में ही अपना पैसा जमा करते हैं और आखिर स्विस बैंक में ऐसा क्या है जो बाकी बैंकों में नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मुकाबले 2021 में 50% ज्यादा रकम जमा की है। आंकड़ों की माने तो स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा साल 2020 में 20,700 करोड़ था, जो साल 2021 के आते ही 30,500 करोड़ तक पहुंचा है। भारतीयों द्वारा पिछले 14 सालों में ये रकम सबसे ज्यादा है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक यानी स्विस नेशनल बैंक SNB के अनुसार सेविंग और करंट अकाउंट में जमा भारतीयों की धनराशि में 2 साल की गिरावट के बाद भी 4,800 करोड़ रुपए पहुंच गई है। स्विस बैंक में पैसा जमा करने में अपना भारत 44वें नंबर पर आता है। वहीं इस मामले में ब्रिटेन पहले और अमेरिका दूसरे नंबर पर है। इन बैंकों को सबसे ज्यादा खास बनाती हैं स्विस बैंक के बेहद सख्त नियम व कानून। दरअसल स्विट्जरलैंड की बैंकिंग पॉलिसी और लॉ के अनुसार वहाँ के बैंक ऑफिशियल अपने किसी भी अकाउंट होल्डर का नाम या दूसरी कोई भी पर्सनल डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर नहीं करते हैं। वहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम तभी रिवील किया जाता है जब कोर्ट उन बैंक्स को ऐसा करने का ऑर्डर देती है, और कोर्ट इस तरह का ऑर्डर सिर्फ तभी देती है जब उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल चार्ज हो। आसान भाषा में समझें तो लोग स्विस बैंक में अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर ब्लैक मनी बड़ी ही आसानी से यहां पर छुपा सकते हैं। और बस यही एक रीजन है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के फ्रॉडस्टर, स्कैमर्स और मनी लॉन्डरर्स के लिए स्विस बैंक उनकी पहली पसंद बन जाती है। अब कहने के लिए स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी लगभग 85 लाख के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद इस देश में करीब 400 बैंक मौजूद है। स्विट्जरलैंड के लॉ के अनुसार वहाँ पर हर एक बैंक अपने हिसाब से खुद के लिए अलग अलग तरीके के नियम व कानून बना सकती है। यही वह वजह है कि कुछ बैंक सिर्फ बिजनेस और कंपनी अकाउंट पर ही फोकस करती हैं, तो वहीं कुछ बैंक सिर्फ आम लोगों और स्टूडेंट आदि को ही अपनी बैंकिंग सर्विस देती हैं। इसके अलावा स्विस बैंक में एक खास किस्म का सीक्रेट अकाउंट भी खुलता है जिसे बैंकिंग लैंग्वेज में नंबर्ड अकाउंट्स कहते हैं, और यही वो अकाउंट्स होते हैं जिनका यूज सिर्फ ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग या गैर कानूनी एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से अधिक हो, वो चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल या फिर ईमेल के जरिए घर बैठे ही स्विस बैंक में अपना नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर नंबर्ड अकाउंट की बात करें तो इस तरह से डायरेक्टली ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको खुद स्विट्जरलैंड विजिट करना पड़ेगा। ये नंबर्ड अकाउंट्स इतने ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं कि इसमें अकाउंट होल्डर्स के पर्सनल डिटेल्स के बारे में बैंक के एम्प्लॉयज तक को जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति स्विस बैंक में अपना नंबर्ड अकाउंट ओपन करता है तो फिर बैंक की तरफ से उस व्यक्ति को अपना एक यूनिक कोड दिया जाता है, जिसके बाद से वो व्यक्ति उस बैंक में अपने रियल नेम की जगह उसी सीक्रेट कोड से ही जाना जाता है। और यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकॉर्ड्स में भी अकाउंट होल्डर के नाम की जगह पर वही सीक्रेट कोड लिखा होता है। साथ ही उसकी दूसरी पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर भी हमेशा ही गुप्त रहते हैं, जिन तक पहुँचने का एक्सेस केवल बैंक के टॉप ऑफिसर्स के अलावा और किसी के पास नहीं होता है। अब आम तौर पर नंबर्ड अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट $1,00,000 यानी के करीब 75 लाख रुपए होती है। साथ ही इन अकाउंट्स में पैसा रखने के बदले में बैंक 0.6% की फीस चार्ज करती है। वैसे तो स्विट्जरलैंड में बहुत से अलग अलग बैंक हैं जहां पर नंबर्ड अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, लेकिन उन सभी में UBS और क्रेडिट स्विस दो ऐसे बैंक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इन्हीं दो बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल UBS की अगर हम बात करें तो ये बैंक इतना बड़ा है कि इसमें जमा कुल रकम भारत की GDP के बराबर है। इसके अलावा स्विस बैंक की एक बड़ी खासियत ये भी है कि लिक्विडिटी के मामले में भी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। दरअसल ज्यादातर स्विस बैंक बिजनेस और कंपनीज को कमर्शियल लोन देने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जिनके चलते इन बैंकों के साथ फ्रॉड होने या फिर पैसा डूब जाने जैसी प्रॉब्लम्स का डर नहीं रहता है। और यही वजह है कि स्विस बैंक में पैसा रखना बहुत ज्यादा सेफ माना जाता है। साथ ही दोस्तों स्विस बैंक का एक फायदा ये भी है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांस दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी में से एक है, जिसके चलते करेंसी डाउन होने की वजह से फंड के नुकसान होने का डर भी लोगों के मन में नहीं होता है। असल में स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो कि दुनिया के सभी विवादों से हमेशा दूर रहता है, और यही वजह है कि दुनिया में चाहे जो भी चल रहा हो लेकिन इस देश की करेंसी अपनी स्टेबिलिटी हमेशा बनाए रखती है। और इन सभी क्वालिटीज की वजह से ही भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग टैक्स बचाने और ब्लैक मनी को छुपाने के लिए इन स्विस बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत के लोग जब ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स में डालते हैं तो सरकार उनके इन ट्रांजैक्शन को ट्रैक क्यों नहीं कर पाती है।
असल में ये इसलिए होता है क्योंकि ये लोग अपना पैसा डायरेक्टली स्विस बैंक में ट्रांसफर नहीं करते हैं, बल्कि ये बहुत ही चालाकी और चोरी छुपे अपना पैसा इन बैंक तक पहुंचाते हैं। और इन लोगों के पास ऐसा करने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरीका ये भी होता है कि ये लोग अपने पैसों को कैश के रूप में किसी तरीके से चोरी छिपे हवा या पानी के रास्ते स्विट्जरलैंड तक पहुंचा देते हैं, जहां पर उनका एक पार्टनर पहले से ही इस पैसे को रिसीव करने के लिए मौजूद होता है। अब वो व्यक्ति वहां की लोकल करेंसी स्विस फ्रैंक में से चेंज करके इसे स्विस बैंक में जमा कर देता है। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि ये अपने पैसों को अलग अलग देशों में घुमाकर स्विट्जरलैंड तक पहुंचाते हैं। पहले ये अपना पैसा भारत के किसी पड़ोसी देश जैसे नेपाल और श्रीलंका आदि में ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद उस पैसे को विथड्रॉ करके दूसरे अलग अलग अकाउंट में जमा कर दिया जाता है और फिर उन अकाउंट से उस पैसे को फिर से किसी तीसरे देश में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस तरह ये प्रोसेस कई बार दोहराया जाता है और तब जाकर ये पैसा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि स्विट्जरलैंड पहुंचता है। इतने सारे अलग अलग देशों और अकाउंट में घूमने व कैश विड्रॉल हो जाने के बाद इन ट्रांजेक्शंस को ट्रैक कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा आज के जमाने में बिटकॉइन और दूसरे कई डिजिटल तरीके से भी ब्लैक मनी को स्विस बैंक तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इन सभी में जो तरीका सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है एक एजेंट के जरिए करवाना, जिसे आम भाषा में हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। दरअसल हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स का नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी मदद से ये लोग पैसे को दुनिया के किसी भी देश में बड़ी ही आसानी से पहुंचा देते हैं, फिर चाहे अमाउंट कितना ही बड़ा क्यों ना हो।